जो कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो आज का टॉपिक है फ्रैक्शंस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन नाउ फ्रैक्शन a fraction is a part of the whole a whole may be a collection of objects or can be a single object we divide a whole into parts if we want to distribute it equally it becomes difficult to distribute when the parts of a whole are not equal in size if the parts are of equal in size a fair distribution is possible for example if a pizza

नंबर बिलो द हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन हॉरिजोनटल लाइन के ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर इन बाई टाइव इज न्यूमरेटर एंड ट्वेल्व इज डिनोमिनेटर दस फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपोन डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शन होता है वो हमारा क्या होता है न्यूमरेटर जो ऊपर हॉरिजोंटल लाइन से ऊपर है वो न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर एग्जाम्पल करते हैं एक्साम्पल वन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन पार्ट इज न्यूमरेटर इज सेवन डिनोमिनेटर इज टू से पार्ट फ्रैक्शन इजिक्वल टू क्या होता है फर्स्ट वाले में न्यूमरेटर कितना है नाइन एंड डिनोमिनेटर इज सेवनटीन तो फ्रैक्शन क्या हुआ नाइन बाय सेवनटीन ऐसे ही बी पार्ट में फ्रैक्शन क्या हुआ न्यूमरेटर इज ट्वेंटी पार्ट ऑफ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स पार्ट्स ऑफ अ कलेक्शन शो हाउ एंड द डिनोमिनेटर शोज हाउ मेनी पार्ट्स द होल इज डिवाइडेड इन एग्जाम्पल करते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम्पल टू राइट दिप्रेजेंटिंगल में हमारे कितने पार्ट है टेन में से सिक्स पार्ट हमारे शेडेड है सी में सर्कल है सर्कल के वन टू थ्री फोर फाइव फाइव इक्वल पार्ट है उसमें से टू शेडेड है सोल्यूशन करते हैं इसका

पार्ट shaded. आर required इक्वल is एंड by five. तो इस तरह से बच्चों आप खुद करेंगे. नंबर लाइन टू शो वन बाई टू ऑन नंबर लाइन वन बाई टू इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन वन दोनों के बीच में आ रहा है एज टू बाई टू इज इक्वल टू वन सो इट लाइज बिटवीन जीरो मतलब 1 by 2 हमारा जीरो और वन के बीच में लाई कर रहा है राइट तो हमारे कितने पार्ट है टोटल हमें टू पार्ट करने है तो जीरो से वन को हमने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया और एक पार्ट जो है वो क्या करता है वो हमारा वन बाय टू को शो करता है टू शो वन बाय थ्री ऑन अ नंबर लाइन वन बाय थ्री इज ग्रेटर देन जीरो अब हमें क्या करना है हमें टोटल जीरो से लेके वन तक की लाइन को हमें थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है one, three. Three में हमने डिवाइड किया और उसका एक पार्ट वन बाय थ्री यहां पे by और और ये हमारा हमारा क्या क्या हो जाएगा 1. तो 3 equal parts में divide किया और एक part हमारा क्या हुआ आउट ऑफ थ्री पार्ट्स सो वी डिवाइड द गैप बिटवीन जीरो एंड वन इंटू थ्री इक्वल पार्ट्स एंड शो टू पार्ट्स एज टू बाय थ्री अब हमने क्या किया जीरो से लेके वन तक के थ्री इक्वल पार्ट्स के, राइट right? हमें करना है टू बाय थ्री टोटल थ्री पार्ट्स तो थ्री पार्ट्स हमने कर दिए, उसका सेकंड टू बाई थ्री तो ये वन बाय थ्री है ये टू बाई थ्री है राइट इज टू शो जीरो बाई थ्री एंड टू बाय थ्री ऑन अ नंबर लाइन जीरो बाय थ्री इज द पॉइंट जीरो एंड थ्री बाय थ्री इज वन होल विच कैन बी शोन बाय द पॉइंट वन तो जीरो बाय थ्री इज जीरो

जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल पार्ट्स को शो करता है एंड शो थ्री पार्ट्स एज थ्री बाई सेवन जीरो बाई सेवन इज द पॉइंट जीरो एंड सेवन बाई सेवन इज वन होल विच कैन बी शोन बाय द पॉइंट वन अब हमने क्या किया नंबर लाइन को सेवन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया राइट थ्री बाय सेवन थ्री बाय थर्ड थर्ड पार्ट इज थ्री बाय सेवन जीरो इज द जीरो पॉइंट इट एंड सेवन बाय इज द वन पॉइंट नो इट there are infinite number of fractions between 0 and 1 we cannot show them all practically on the number line now next is types of fractions first is like fractions fractions having the same denominators are called like fractions for example 4 by 19 5 by 19 7 by 19 15 by 19 etc unlike fractions Fractions having different denominators are called unlike fractions. For example, 5 by 8, 6 by 11, 9 by 14, 13 by 17, etc. Now, next is proper fraction. A fraction in which the numerator is less than the denominator is called a proper fraction. For example, 1 by 2, 2 by 5, 2 by 3, 0 by 8, 9 by 10. All the proper fraction lie to the left of 1 on the number line as they are less than one know it fractions like 2 by 2 3 by 3 4 by 4 or 5 by 5 are not proper fraction because 2 by 2 is equals to 1 3 by 3 is equals to 1 4 by 4 is equals to 1 5 by 5 is equals to 1 which is a whole number now next is improper fraction A fraction in which the numerator is greater than or equal to the denominator is called an improper fraction. For example, 3 by 2, 4 by 3, 5 by 3, 5 by 4, etc. Example karte related, example 3. Write 5 improper fractions with denominator 6. Solution karte hain. Required fractions is equals to. हमें इम प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना है जिनका डिनोमिनेटर सिक्स रहे तो सिक्स डिनोमिनेटर रखो और ऊपर सिक्स से बड़े सारे न्यूमरेटर्स ले, ले लेंगे लाइक सेवन बाय सिक्स एट बायस नाइन बाय सिक्स टेन बाय सिक्स एंड इलेवन बाय सिक्स ना एग्जाम्पल फोर राइट फाइव इम प्रॉपर फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर ट्वेल्व सोल्यूशन करते हैं इसका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमें इमप्रॉपर लिखना है इमप्रॉपर में हमारा न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है छोटा यहां पे हमारा न्यूमरेटर क्या है ट्वेल्व तो डिनोमिनेटर हम क्या करेंगे ट्वेल्व से छोटा रखेंगे तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू ट्वेल्व बाई इलेवन टेन ट्वेल्व बाय नाइन ट्वेल्व बाई एट एंड ट्वेल्व बाय सेवन नेक्स्ट इज यूनिट फ्रैक्शन अ प्रॉपर फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज वन is called a unit fraction for example 1 by 3 1 by 4 1 by 7 1 by 9 etc are all unit fractions next is mixed fraction a fraction which is a combination of a whole number and a proper fraction is called a mixed fraction for example 1 is to 1 by 2 3 is to 1 by 4 4 is to 3 by 5 6 is to 1 by 3 etc are all mixed fractions know it the fraction will be less than 1 if its numerator is less than the denominator. The fraction will be equal to 1 if the numerator is equal to the denominator. Now, conversion of an improper fraction into a mixed fraction.

ट्वेंटी सेवन बाई फोर इज इक्वल्स टू जब हम ट्वेंटी सेवन को फोर से डिवाइड करेंगे ट्वेंटी सेवन को हमने फोर से डिवाइड किया फोर फाइव ज़ार ट्वेंटी फोर सिक्स ज़ार ट्वेंटी फोर एंड फोर सेवन ज्वेंटी एट तो फोर सिक्स पे जाएगा ट्वेंटी फोर माइनस करेंगे थ्री तो क्या बनाया था कोशेंट कोशेंट इज सिक्स तो सिक्स इज द होल नंबर रिमाइंडर इज थ्री थ्री इज द न्यूमरेटर एंड द डिवाइजर इज द डिवाइजर इज द क्या बनेगा डिनोमिनेटर एग्जाम्पल करते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम्पल फाइव कन्वर्ट फोर्टी वन बाई फाइव इंटू अग फोर्टी वन बाई फाइव वी गेट फोर्टी वन को हमने फाइव से डिवाइड किया फाइव एट फोर्टी वन रिमाइंडर बचा फोर्टी वन बाई फाइव इज टू क्वेश्चन इज एट रिमाइंडर इज वन and divisor is 5 so 8 is to 1 by 5 now next is conversion of a mixed fraction into an improper fraction we can express a mixed fraction by multiplying the whole with denominator and adding the numerator to it then the improper fraction will be the mixed fraction is written as quotient जो हमारा होल नंबर होता है मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन होता है मिक्स फ्रैक्शन हमारा क्या है जैसे हमारे पास था सिक्स इज टू थ्री बाय फोर तो हम क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं इनप्रॉपर फ्रैक्शन में तो होल नंबर होल नंबर क्या होता है हमारा क्वेश्चन होल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय किससे होल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर दैट इज फोर और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस क्या करेंगे हम न्यूमरेटर एंड नीचे हमारा डिनोमिनेटर एज इट इज तो हमारा क्या बन जाएगा ये ये हमारा बन जाएगा इमर फ्रैक्शन राइट यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल फोर इज टू थ्री बाय फाइव इज इक्वल टू फोर मल्टीप्लाई बाय फाइव प्लस थ्री डिवाइडेड बाई फाइव इज इक्वल टू फोर फाइव ट्वेंटी प्लस थ्री इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री बाय फाइव ये हमने क्या किया

नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वी वेलेट फ्रैक्शन यहां पर हमारे पास तीन सर्कल हैं एक के टू पार्ट्स कर रखे हैं एक को शेड कर रखा है इसमें फोर पार्ट्स कर रखे हैं टू को शेड कर रखा है इसमें सिक्स पार्ट्स कर रखे हैं थ्री को शेड कर रखा है दीज फ्रैक्शन आर वन बाय टू टू बाय फोर थ्री बाय सिक्स रिप्रेजेंटिंग द पार्ट टेकन अपोन The total number of parts if we place the shaded portion one over the other we find them equal these fractions are called equivalent fractions fractions which represent the same part of a whole are called equivalent fraction 1 by 2 is equals to 2 by 4 is equals to 3 by 6 or 1 by 2 is equals to 1 multiplied by 2 divided by 2 multiplied by 2 is equals to 1 multiplied by 3 is divided by 2 multiplied by 3 Thus, the numerator and denominator of the second and third fractions are 2 times and 3 times of the numerator and denominator of the first fraction, respectively. Now, properties of equivalent fractions. Property 1 If we multiply the numerator and denominator of a fraction by the same number other than 0. We get an equivalent fraction. For example, 1 by 2 is equals to 1 multiplied by 3 divided by 2 multiplied by 3 is equals to 3 by 6. 1 multiplied by 4 divided by 2 multiplied by 4 is equals to 4 by 8. 1 multiplied by 5 divided by 2 multiplied by 5 is equals to 5 by 10. Now, property 2: if we divide the numerator and denominator of a fraction by the same number other than 0, we get an equivalent fraction. For example, 8 by 24 is equals to 8 by 24, both are divided by 4, that is equals to 2 by 6. 8 by 24, both are divided by 8, is equals to 1 by 3. Now, next is cross products. Consider the following fractions 2 by 3 and 6 by 9. Multiplying numerator and denominator by 3, that is equals to 2 multiplied by 3 divided by 3 multiplied by 3 is equals to 6 by 9. 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6. 6 9 9 9 9 हमने इनका क्या किया 18 18. तो दोनों का जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया आंसर सेम आया 18. वी नोट दैट two fractions are equivalent if the product of the numerator of first and the denominator of the second fraction is equals to product of the denominator of the first and the numerator of the second fraction that is a by b is equals to c by d then a multiplied by d is equals to b multiplied by c know it cross products of equivalent fraction

बाई द रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट वी हमें नहीं पता क्या है हमें फाइंड आउट करना है मल्टीप्लाई बाई एट ये हमें फाइंड आउट करना है कि एट को किससे मल्टीप्लाई कि दोनों को इक्वल हो जाए सो फाइव मल्टीप्लाई बाय फिफ्टी सिक्स डिवाइडेड बाई एट इज इक्वल टू एक्स इसको हम ले लेते हैं मल्टीप्लाई बाय एट

फाइंड दिन नाइन सोल्यूशन करते हैं इसका वी कैन राइट इट एस ट्वेंटी बाय फोर्टी फाइव इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं इसको हम एक्स बाय नाइन हमें नहीं पता यहां क्या ऑब्जर्व दिनोमिनेटर 45 फाइव इज डिडेड बाई फाइव इज टू 9. 45 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा नाइन सो वी डिवाइड दी 5. तो हमें यहाँ पे जब डिनोमिनेटर को हमने 5 से डिवाइड किया है तो हम न्यूमरेटर को भी किससे डिवाइड करेंगे 5 से वी हैव 20 बाय फोर्टी फाइव इज टू ट्वेंटी इज डिवाइडेड बाई फाइव एंड 45 फाइव इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई फाइव इज इक्स टू फाइव फोर द

सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर बाय ट्वेंटी सेवन फोर से मल्टीप्लाई किया ट्वेंटी बाय थर्टी सिक्स फाइव से मल्टीप्लाई किया ट्वेंटी फाइव बाई फोर्टी फाइव एंड सिक्स से मल्टीप्लाई किया थर्टी बाय फिफ्टी फोर हमें फाइव निकालने थे तो ये हमने यहाँ पे कॉन्टीन्यूटी में हमने मल्टीप्लाई करके निकाल दिए नाउ एग्जाम्पल इलेवन आर टू बाई नाइन एंड सिक्स बाई ट्वेंटी सोल्यूशन करते हैं इसका टू बाइन एंड सिक्स बाय ट्वेंटी सेवन न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड दैट इज इक्वल्स टू टू मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी सेवन इज इकोल टू फिफ्टी फोर न्यूमरेटर ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन

cross product of equivalent fractions is used to check whether the two given fractions are equivalent or not. now next is simplest form of a fraction. a fraction is said to be reduced in simplest form or the lowest terms if its numerator and denominator have no common factor except 1. for example, 2 by 3, 3 by 4, 7 by 8, 9 by 16 are in the simplest forms. First, to find the equivalent fraction in the simplest form, we first find the HCF of the numerator and the denominator. Then we divide both of them by this HCF. Example karte is related, example 12. Find the equivalent fraction of the following in simplest form. A is 42 by 28 and B is 16 by 72. Solution kartees ka. ए पार्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42 टू इज टू इंटू थ्री इंटू सेवन प्राइम फैक्टर्स ऑफ ट्वेंटी एच सी एफ ऑफ फोर्टी टू एंड ट्वेंटी में कॉमन है टू मल्टीप्लाई बाय सेवन दट इज फोर्टीन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फोर्टी टू बाई ट्वेंटी फाइव जो एच सी एफ आया है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को उससे डिवाइड किया तो फोर्टी टू इज डिवाइडेड बाई फोर्टीन ट्वेंटी एट इज डिवाइडेड बाय फोर्टीन दैट इज इक्वल टू थ्री बाय टू दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म Now, B part is prime factors of 16 is equals to 2 into 2 into 2 into 2. Prime factors of 72 is equals to 2 into 2 into 2 into 3 into 3. HCF of 16 and 72, which is common, hai, 2 into 2 into 2, that is equals to 8. So, HCF 8 have simplest form. What do we do? Numerator, denominator, dono ko HCF se divide. Kareenge. Simplest form of 16 by 72 is equals to 16 is divided by 8, and 72 is divided by 8, that is equals to 2 by. नाउ दे आर इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर व्हेन वी कंपेयर टू फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर फॉर एग्जांपल

वन बाई टू इज ग्रेटर देन वन बाय थ्री यहां पे हमने एक के टू पार्ट किए एक के थ्री पार्ट किए इसमें भी वन शेडेड है इसमें भी वन शेडेड है तो यहां पे हमने क्या किया कौन सा बड़ा है हमारा शेडेड पोर्शन कौन सा बड़ा है देखने में वन बाय टू वाला बड़ा है तो यहां पे हम यही करेंगे अगर हमारा न्यूमरेटर सेम है तो ग्रेटर डिनोमिनेटर वाला जो फ्रैक्शन रहेगा वो छोटा रहेगा और छोटे डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन हमारा बड़ा रहेगा नाउ नेक्स्ट इज फ्रैक्शंस विद डिफरेंट न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर Fractions with different numerator and denominator can be compared by two methods. First is by converting them into like fractions. Second is by cross multiplication method. Now, first is comparison by converting the fraction into like fraction. Step 1 find the LCM of the denominators of the fractions to be compared. Step 2 Convert unlike fractions into like fractions by making the LCM found in step 1 as their common denominator. Step 3, compare the numerator of the like fractions. Step 4, the fraction with the greater numerator has greater value. Example karte, example 13. Compare 17 by 18 and 11 by 12. Solution karte hai. हम यहाँ देखेंगे दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 इज इक्वल्स टू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इज इक्स टू थर्टी सिक्स नाउ सेवनटीन बाई एटीन इज इक्वल्स टू हमें कॉमन डिनोमिनेटर हमें जो एलसीएम आया है उसको बनाना है कॉमन डिनोमिनेटर तो हम 18 को किससे मल्टीप्लाई के 36 हो जाए 2 से तो हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया नाउ 17/18 इज इक्वल्स टू हमें क्या बनाना है 36 बनाना है हमारा एलसीएम कितना है 36 तो 18 को 36 में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 17 2 एंड 18 2 दैट इज इक्वल्स टू 34/36

by cross multiplication method to compare any two fractions that is a by b and c by d by cross multiplication method we cross multiply them and find their cross product that is ad and bc now first is if ad is greater than bc agar hamara ad bada Haga bc say then ab is a upon b is greater than c upon d second if AD is less than BC, then AB is less than C by D. Third is if AD is equals to BC. If AD product and BC equal, then A upon B is equals to C upon D. Now, example 14. Compare the fractions 17 by 20 and 12 by 15. Solution karthes ka? By cross multiplying, we get.

By 16 is less than 9 by 16 ascending order is 3 by 16 5 by 16 7 by 16 and 9 by 16 now example 16 arrange in descending order 3 by 10 3 by 26 3 by 16 3 by 22 solution is ka. here the numerators are the same so the fractions having smaller denominators are greater since 10 is less than 16 is less than 22 is less than 26. So 3 by 10 is greater than 3 by 16 is greater than 3 by 22 is greater than 3 by 26. Descending order is 3 by 10, 3 by 16, 3 by 22, and 3 by 26. Now example 17. Arrange the fractions in ascending order. 5 by 12, 3 by 4, 7 by 6, and 5 by 8. Solution karte hai? of आर 4, 6 and 8 is 24. क्यों? क्योंकि सभी के डिनोमिनेटर अलग अलग है हमें सेम बनाने हैं उनका एलसीएम लेके तो यहाँ पे हमने प्राइम factorization method से हमने क्या लिया इनका एलसीएम लिया दैट इज 24. Now नाउ by 12 is इज to टू

तो so, हम न्यूमरेटर सेवन को भी मल्टीप्लाई करेंगे फोर सेवन मल्टीप्लाई बाय फोर दैट इज इक्व टी एट बाई ट्वेंटी फोर नाउ फाइव बाई एट एट को हमने थ्री से मल्टीप्लाई किया तो so हमने न्यूमरेटर को भी थ्री से मल्टीप्लाई किया फाइव मल्टीप्लाई बाई थ्री दैट इज इक्वल टू फिफ्टीन बाय ट्वेंटी फोर सिंस टेन बाई ट्वेंटी फोर इज लेस देस देन एटीन बाई ट्वेंटी फोर इज लेस देव इज लेस देन फाइव बाई एट इज लेस देन थ्री बाय फोर इज लेस दे सिक्स क्योंकि अब सारे क्या हो गए हैं वो लाइक like फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए हैं अकॉर्डिंगली हमने उनके क्या किया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर तो इस एंड तो तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन एंड सब्ट एडिशन एंड सब्ट ऑफ लाइक फ्रैक्शन प्रोसीजर First is add or subtract the numerator with the common denominator. Second, reduce the fraction to its lowest term. Third, if the result is an improper fraction, convert it into a mixed fraction. Addition or subtraction of like fractions is equals to sum or difference of their numerators. Unke numerators ka difference divided by common denominator. Jo, लाइक like फ्रैक्शन है तो सबके जो डिनोमिनेटर होंगे वो क्या रहेंगे सेम तो कॉमन डिनोमिनेटर हम एज इट इज जो कॉमन है वो एज इट इज लिखेंगे एग्जांपल करते हैं एग्जांपल 18 ऐड द फॉलोइंग ए पार्ट इज 8/21 5/21 बी इज 5/2/9 2/5/9 सॉल्यूशन करते हैं ए पार्ट दोनों के डिनोमिनेटर 21 है लाइक like फ्रैक्शन है तो जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो एज इट इज दैट इज ट्वेंटी वन वन टाइम इसको ऐड नहीं करेंगे और जो हमारे न्यूमरेटर्स हैं उनको क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे एट प्लस फाइव टू कितना थर्टीन बाय ट्वेंटी वन नाव बी पार्ट फाइव इज टू टू बाय नाइन प्लस टू इज टू फाइव बाय नाइन पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे किसमें में फ्रैक्शन में दैट इज फोर्टी सेवन बाय नाइन प्लस ट्वेंटी थ्री बाय नाइन दैट इज इक्वल टू नाउ कॉमन डिनोमिनेटर एज इट इज लिखेंगे और न्यूमरेटर्स को एड कर देंगे फोर्टी सेवन प्लस ट्वेंटी थ्री दैट इज इक्वल टू सेवेंटी बाय नाइन इसको हम अगेन किसमें कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में दैट इज सेवन इज टू सेवन बाय नाइन नाउ एग्जाम्पल नाइनटीन

Now, next is addition and subtraction of unlike fractions. Procedure First, find the LCM of denominators of the given fractions. Second, convert the unlike fractions into like fractions by making LCM as their denominator and finding their new numerators. Third, add or subtract the like fractions. एग्जाम्पल से करते हैं एग्जाम्पल ट्वेंटी एड इज बाई थर्टी बाई फिफ्टीन प्लस थ्री इज टू नाइन बाई ट्वेंटी सोल्यूशन करते हैं इसका ए पार्टी एट बाई ट्वेंटी वन प्लस बाई थर्टी फाइव अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर क्या है डिफरेंट है नाउ ट्वेंटी वन

9 by 35 is equals to 35 को 105 में कन्वर्ट करना है यहाँ पे तो वी मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दैट इज़ इक्वल्स तू 27 by 105 नाउ दे बिकम लाइक फ्रैक्शंस नाउ दे बिकम लाइक फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस जैसे होते हैं एज इट इज़ ऐड कर देंगे सो so, रखेंगे और निमोनेटर्स को एड कर देंगे फोर्टी प्लस ट्वेंटी सेवन दैट इज इक्वल टू सिक्सटी सेवन बाय हंड्रेड फाइव नाउ बी पार्ट टू इज टू थ्री बाय टेन प्लस वन इज टू सेवन बाय फिफ्टी प्लस थ्री इज टू नाइन ट्वेंटी That is equals टू जो इनका होल पार्ट है उसको हमने अलग कर लिया और फ्रैक्शनल पार्ट को हमने अलग कर लिया टू प्लस वन प्लस टू सिक्स ये सारे क्या हैं अनलाइक इनका हमने क्या लिया LCM, that is 60, तो थ्री मल्टीप्लाई बाय सिक्स प्लस सेवन मल्टीप्लाई बाय फोर प्लस नाइन मल्टीप्लाई बाय थ्री हमने क्या ले लिया टेन सिक्स फोर जिक्सटी एंड ट्वेंटी थ्री जा तो हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर को कॉमन बना दिया सिक्सटी और न्यूमरेटर्स को भी टेन को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्सटी आएगा तो यहाँ पे हमने न्यूमरेटर को भी सिक्स से किया फिफ्टीन को फोर से करेंगे तो न्यूमरेटर को भी फोर से किया ट्वेंटी को थ्री से करेंगे तो यहाँ न्यूमरेटर नाइन को भी थ्री से मल्टीप्लाई किया सिंस एलसीएम ऑफ टेन फिफ्टीन एंड ट्वेंटी सिक्सटी दैट इज इक्वल्स टू सिक्स प्लस अब हमने इनको सबको मल्टीप्लाई कर लिया सिक्स थ्री ज़ार एटीन प्लस सेवन फोर जार ट्वेंटी एट प्लस नाइन थ्री ट्वेंटी सेवन सिक्सटी दैट इज द कॉमन

सेट द फॉलोइंग ए पार्ट इज एट बाई फोर्टीन माइनस फाइव बाई ट्वेंटी वन बी इज फोर इज टू टू बाई थ्री माइनस थ्री इज टू वन बाय फोर सोल्यूशन करते हैं इसका ए पार्ट

जो डिनोमिनेटर है वो ट्वेल्व में कन्वर्ट करना है तो थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे फोर से और फोर को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फर्स्ट वाले में फोर से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकेंड वाले में थ्री से किया नाउ फिफ्टी सिक्स अपॉन टाइनस थर्टी नाइन अपॉन ट्वेल्व इज इक्वल टू अब कॉमन जो डिनोमिनेटर है वो ट्वेल्व है एंड फिफ्टी सिक्स माइनस थर्टी नाइन दैट इज इक्वल टू सेवनटीन तो सेवनटीन बाई ट्वेल्व और इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में टू इज टू वन बाई सिक्स सोल्यूशन करते हैं इसका वन इज टू सेवन बाय ट्वेंटी फोर प्लस टू इज टू फाइव बाय ट्वेल्व प्लस थर्टीन इज टू वन बाय थ्री माइनस टू इज टू वन बाई फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमने सारे फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया किसमें इन प्रॉपर फ्रैक्शन में दैट इज़ टू हमने एलसीएम लिया एलसीएम ऑफ ट्वेंटी फोर ट्वेल्व थ्री एंड सिक्स इज ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर एलसीएम लिया अब हम क्या करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या करेंगे उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट कि हमारा डिनोमिनेटर क्या बन जाए 24 तो 31/24 में ऑलरेडी क्या है 24 है तो वी नीड नॉट टू मल्टीप्लाई प्लस 29/12 29/12 में हमारा क्या है 12 को हम किससे मल्टीप्लाई करें 2 से तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 40/3 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 24 आ जाएगा 3 8 जा. तो यहां पे हमने 40 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई एट दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई किया माइनस थर्टीन बाई सिक्स सिक्स को किससे करें 4 से तो हमने न्यूमरेटर 13 मल्टीप्लाई बाई फोर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर 6 मल्टीप्लाई बाई फोर नाउ 31 वन बाई ट्वेंटी फोर प्लस फिफ्टी एट बाई प्लस थ्री ट्वेंटी अब हमारे सबके क्या हो गए लाइक फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शन होंगे तो हम क्या करेंगे कॉमन डिनोमिनेटर को हम एज इट इज रखेंगे और हमारे न्यूमरेटर्स को क्या कर देंगे जो प्लस है प्लस कर देंगे माइनस है माइनस कर देंगे क्या है हमारे पास 31 58 एंड प्लस 320 एंड माइनस में क्या है हमारे पास 52 माइनस में हमारे पास क्या है 52 है तो हमारे ये ऐड हो जाएंगे सारे ये सारे ऐड हो जाएंगे ऐड होने के बाद 52 को हम उसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 357 फिफ्टी 24. बाय ट्वेंटी फोर थ्री फिफ्टी सेवन बाय ट्वेंटी फोर को जब हमने लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया नाउ इट बिकम्स वन हंड्रेड नाइन बाय एट नाउ इसको हम किसमें कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में दैट इज फोर्टीन इज टू सेवन बाय एट फोर्टीन इज टू सेवन बाई एट नाउ एग्जाम्पल ट्वेंटी थ्री वट शुड बी सब्ट्रेक्टेड फ्रॉम थ्री इज टू टू बाई ट्वेंटी वन टू गेट टू इज टू नाइन बाय सोलूशन करते हैं इसका लेट रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स कि हम एक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं सो थ्री इज टू टू बाई ट्वेंटी वन माइनस एक्स इसमें से हमने किसको माइनस कर दिया एक्स डेट इज इक्वल टू टू इज टू नाइन बाय फोर्टीन और एक्स इज इक्वल टू थ्री इज टू टू बाई ट्वेंटी वन माइनस टू इज टू

टू इज वन बाय फोर के जी ऑफ टोमेटोज एंड वन इज टूटी वेजिटेबल सोलटो टू के जी वेट ऑफ टोमेटोज इज इक्व टू इज वन अपॉइंट फोर के जी वेट ऑफ ऑनियन इज इक्वल टू वन इज टू वन 1 टेन के जी हमें बताना है टोटल वेट सो टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स इज इक्वल टू हम सबको क्या कर देंगे एड

फोर फाइव जी सो नाइन मल्टीप्लाई टेन टू जॉ ट्वेंटी सो इलेवन मल्टीप्लाई बाई टू ना वन हंड्रेड टेन प्लस ट्वेंटी ट्वेंटी ऐड करने के बाद हमारा कितना आया वन हंड्रेड सेवेंटी सेवन अपॉन ट्वेंटी के जी ये क्या है इम्प्रॉपर है इसको हमने डिवाइड किया मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए एट इज टू सेवेंटी बाय ट्वेंटी